हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास एक अल्ट्रा स्लिम का वीडियोकॉन का सीआरटी टीवी रिपेयर होने के लिए आया है। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे देखिए वायरिंग किया है, तो अभी यहाँ से ऑन करता हूँ। ऑन किया लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर हमारा नहीं चल रहा है। तो अभी उस टीवी को पहले खोल लेता हूँ और खोलने के बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों टीवी को तो खोल लिया है, यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऑन करता हूँ तो यहाँ पे स्विच हमारा ऑन है, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमारा इंडिकेटर अभी नहीं चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हमें पावर सप्लाई मॉड्यूल नहीं बिठाना है, इसमें ओरिजिनल हमें बनाना है। तो ओरिजिनल के लिए दोस्तों पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ। अभी यहाँ पे रख देता हूँ और पहले हमें 300 वोल्ट चेक करना है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो हमें कितना वोल्ट यहाँ पे मिल रहा, तो यहाँ पे 300 वोल्ट के करीब में मिल रहा है, 300 350। तो अभी दोस्तों यहाँ से हमारा ये एसटीआर को जाता है, तो हमने एसटीआर भी बदल के यहाँ पे चेक कर लिया है। दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम कभी आपके पास भी आ सकता है। और यहाँ पे देखो तो देखिए, तो अभी 110 वोल्ट की हमारी जो सप्लाई बननी चाहिए वो नहीं बन रही है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई वोल्ट नहीं बन रहा। तो यहाँ पे तो चेक हो गया, तो 300 वोल्ट अभी यहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर बन रहा है, तो यहाँ से हमारा वायरिंग होके यहाँ से निकलता है, यहाँ पे आ रहा है और प्रॉपर हमारा यहाँ पे एसटीआर देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो अभी दोस्तों ये तो हमारा प्रॉपर है। अभी हमें यहाँ पे दूसरा चेक करना है, तो एसटीआर को ऑपरेट करने के लिए 18 वोल्ट की सप्लाई बनती है, वो भी हमें चेक करना है। तो अभी यहाँ पे देखो तो ये वाला हमारा यहाँ पे हमारा 18 वोल्ट मिलना चाहिए। जब तक दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 18 वोल्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारा पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों घुमा फिरा के बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम इसमें ढूंढते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। वीडियो तो 10 मिनट का 5 मिनट का बन जाता है, लेकिन जो इसे ढूंढने में 2-3 घंटा निकल जाता है। तो अभी सीधा ही मैं आपको यहाँ पे जो फॉल्ट है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 18 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो एसटीआर भी बदला है, हमने पहले भी बोल रहा हूँ। तो एक बार एसटीआर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। पहले हमारा प्रॉपर यहाँ पे दोस्तों 18 वोल्ट बनना चाहिए, तभी हमारा सप्लाई ऑन होगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एसटीआर को ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लग रहा होगा, तो सभी यहाँ पे आपको एक बार जीनर चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे कंपोनेंट कोई ख़राब नहीं है, कंपोनेंट तो दोस्तों ओके है। यहाँ पे देख सकते हो पहले हमने चेक लिया है, तो इस तरीके से पहले चेक करते हैं। तो अभी हमें वोल्टेज देखना है, अभी प्रॉपर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा 18 वोल्ट, तो हमारा सेट ऑन नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे एक बार ऑन करता हूँ, तो अभी ऑन किया मैंने, तो अभी चेक करता हूँ हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या नहीं। तो अभी भी ड्रॉप दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज हो रहा है। तो अभी इस लाइन में यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये कैपेसिटर यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये कैपेसिटर भी दूसरा नया हमने लगा दिया है, यहाँ पे देख सकते हो दोनों कैपेसिटर को बदल दिया है। तो अभी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम मिला है,
तो ये जिनर इस यहाँ पे देखिए जिनर है ना, जिनर यहाँ पे ओके बता रहा है, ये लाइन में यहाँ पे जिनर आ रहा है। तो अभी आपको कंटिन्यूटी में दिखा देते, जो जो इसके लाइन में कंपोनेंट आएगा उसे हमें चेक करना है। तो ये जिनर यहाँ पे आपको दिखा देता है, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक पीएफ लगा रहता है, तो पीएफ हमारा 100 यहाँ पे 3 का ये पीएफ आपको मैं दिखा दूँ जूम करके। तो इसका भी प्रॉब्लम कई बार हमें मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आपको रजिस्टर लग रहा होगा, लेकिन ये दोस्तों पीएफ है। तो इसे मैं एक बार ओपन करता हूँ। तो अभी ओपन कर दिया है, तो अभी हमारी सप्लाई यहाँ पे कितनी बनती है ये देखते हैं। तो अभी ऑन तो कर दिया है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, प्रॉपर यहाँ पे 18 वोल्ट हमारा बन चुका है, देख सकते हो। तो ए पी एफ की वजह से हमारा पूरा सर्किट डेड है। तो अभी यहाँ पे यहाँ से ए पी एफ को निकल के आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हो, तो इसकी जगह पे हमें यहाँ पे एक पीएफ लगाता हूँ और सोल्डिंग भी आपके सामने कर लेता हूँ। पहले मैं टेस्ट कोटिंग वगैरह निकल देता हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए, एक ही कंपोनेंट का हमारा प्रॉब्लम था दोस्तों। ओरिजिनल ही रिपेयर करना है तो प्रॉब्लम को हमें ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे लगाया, अभी देखता हूँ, अभी हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो अभी 18 वोल्ट बनेगा तो हमारा इंडिकेटर आएगा। तो यहाँ पे एक बार देखता हूँ, तो देखिए दोस्तों अभी 18 वोल्ट बन चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए, हमारा इंडिकेटर चल चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑन किया, तो हमारा यहाँ पे भी सप्लाई बनना चाहिए। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमारा प्रॉपर यहाँ पे सप्लाई बन चुका है। अभी इस टीवी स्क्रीन में भी आप देख सकते हो, टीवी हमारा बिल्कुल यहाँ पे ऑन कंडीशन में है। तो जो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।